भाई सारे में स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। था भाई आज हमारा दूसरा दिन रामलीला में। चलो आप लोग यू है भाई ये गेम, इसमें तो 6 पकड़ने हैं। जब एक टॉफी मिल गई हमने, देखो भाई मैं भी पकड़ूं कितने पकड़े जाएंगे। तो भाई मैंने जीत लिए कैंडी, 4 पकड़ गए भाई। हम आज आ गए थोड़ी सी जल्दी, तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है यार। देखो इतने तो मन सजान लाग रहे हैं आज के लिए। पापा सारा झाड़ा ले लिया, ऐड कार्ड लाग रहे खत्म होगी पापा, रहन देगी खा गए सारी। गेट तो परली साइड है, क्या गेट छोड़े। चल भाई पापा तो करवाएंगे यो गेम शूटिंग का, पापा कितने को बारे फोड़ सेगा, चलो देखांगे। ए मरे फूट गया देख लो भाई, शुक्र बना गुड़िया के बाल खाएंगे आपने भी। ई भाई झूलेंगे झूले में, देखो जा जड़ा झूला है कितना मस्त है, ई मैं झूलूंगी भाई मैं तो जा गए। तो भाई हो गए हम रेडी, चलेंगे। और भाई शाम देखो पापा ने देख लग रहा, पापा ने क्योंकि पापा लग गए डर। ऊपर तो पूरा लाल किला दिखाऊंगे और कितना बड़ा मेला लग रहा है, देखो भाई कितनी दूर में गए, ऊपर जाकर सारा दिख है भाई, कुछ उतना मजे आ गए। देखा भाई पापा यो दीवार में फूल जा चप्पा हट जलाओगे ते बीच में जलाओ। तो भाई कल की रामलीला में आप लोगों ने देखा होगा कि राम ने भाई धनुष उठा दिया था, सीता तो ब्याह तय हो गया था। तो भाई आज बारात लेकर राम जावे सीता के घर, तो चलो भाई बारात में शामिल होते हम भी। तो भाई राम और लक्ष्मण एक रथ में, देखो भाई जान लग रहे हैं नाचने का। तो भाई मारा भी जी कर गया राम की बारात में, भाई हम भी नाच ला थोड़ा। और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी में महाराज जनक के पास आ रहे हैं। आज महाराज जनक के लिए बड़ा ही उत्सव भरा दिन है, क्योंकि उनकी पुत्री सीता का विवाह हुआ।
मान ली, तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा पिछला बदला नहीं। जीवित क्यों हूं?
तुम पर कुछ अधिकार है राम। माँ तुझे धर्म संकट में मत डाल, मैं पिताश्री की आज्ञा के उल्लंघन नहीं कर सकता। माता आप अपने पति के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकती। पिताश्री राम, ये क्या? राम, सीता, लक्ष्मण, मैंने तो राम को जाने की मना कर दी थी, किंतु सीता और लक्ष्मण ये भी मुनि वाली ड्रेस में है। पिताजी आप हर्ष के समय शो क्यों कर रहे हैं? आप तो हमें सहर्ष आज्ञा दें। 14 वर्ष समाप्त होते ही हम शीघ्र लौट आएंगे और आपके दर्शन पाएंगे, और अब आप हमें आज्ञा दें पिताजी। तो भाई अब करना थोड़ी पेट पूजा स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ। देखो मेरा राम, मेरा लक्ष्मण, सीता अभी आई थी जंगल से, मुझसे मिलने आई थी। कौशल ने तुमने देखा? कौशल ने कैसे थे सुमित्रे? कौशल ने अभी ये मेरा बहन, वो देखो कोई आ रहा है, वो देखो कोई आ रहा है। शिकार करने के लिए मैंने शब्द बेसी भान छोड़ा। किसी हिंसक पशु को नहीं बल्कि मुनि कुमार शरण को लगा, और शरण ने मुझसे कहा, महाराज मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पूरे नेत्रहीन मां बाप को जल पिला दीजिए। जब जल लेकर मैं शरण के माता पिता के पास को और उसके पिता को चल दिया तो उन्होंने मुझे श्राप दिया। हे अभागे दशरथ, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण दे रहे हैं, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण देगा। ये मेरा श्राप है। और जब मैं जल लेकर उसकी माता के पास पहुंचा तो उन्होंने भी मुझे श्राप दे डाला कि जिस प्रकार महाराज हम वियोग में तड़प रहे हैं उसी प्रकार तुम भी वियोग में तड़पोगे। महाराज अब अधीर ना हो, राम राम लौट आएंगे महाराज। ठीक कहते कुशल है, राम लौट आएंगे। हाँ महाराज, अब महलों की ओर चलते हैं। आओ सुमित्रे, आओ कुशल, आओ हम महलों की ओर चलते हैं। आओ महाराज, 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 ये आपको क्या हो गया?
तो भाई हमने देख लिया आज की रामलीला, इवन जा वहाँ घर में, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।